इस बार का रास्ता थोड़ा ना टफ लग रहा है ना। चलो फिर आ जाओ, थोड़ा सेफली आना। आ जा। वाह, मेरा तो अभी मन कर रहा पैराशूट लूं और कूद जाऊं। वो देख कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, मजा आया इधर नहाने का। ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, इसे जाना पड़ेगा। तू रुक, मैं ले आता। आ जाओ, हाथ पकड़ लो मेरा। थोड़ा डेंजर है। चकू आई, आगे तो सही है रास्ता, राइट साइड में तो होना ज्यादा। यहाँ से लैंडस्लाइड हुई है, अगर यहाँ पे पैर रख दिया ना गलती से तो नीचे। यहाँ पे थोड़ा राइट से आना, ये बॉर्डर क्रॉस कर दिया हमने। जो अच्छा है उससे चल पड़ेंगे। पूरा संडे एंजॉय कर रहे हैं, फुल संडे। यहाँ के प्लांट्स है ना, मतलब हेल्दी प्लांट्स है, मतलब ऐसे नहीं है, हेल्दी है ना। पहले हम नीचे से थे, अब इधर से। एडवेंचर प्लस मोर एडवेंचर। ओम नमो शिवाय का जाप करते चलो और चढ़ते चलो। चलो चढ़ते चलो। ये पीने का पानी है, इस पेड़ को प्रोटेक्शन क्यों दी गई है, इस पेड़ को बड़ी सेफ्टी दी के रखी है। ये देखो पेड़ के लिए पूरी सेफ्टी है, पता नहीं क्यों। I am very tired. चलना तो पड़ेगा, गाड़ी तक तो चलना पड़ेगा। अभी मैंने टाइम देखा, 5:34 हो चुका है, इवनिंग का टाइम हो गया और टाइम का पता नहीं लग रहा। घर से पापा की कॉल भी आई थी, अभी कह रहे थे कि चल पड़ो, पर जब तुम किसी भी चीज़ को एंजॉय करना शुरू करते हो ना, टाइम का पता नहीं लगता, खुशी के पल ऐसे बीत जाते हैं। पूरी ट्रैकिंग यहाँ पर जो अभी पहुँचा ना, मैं ये लोकेशन पूरी मेरे को खीर गंगा जैसी लग रही। खीर गंगा का ट्रैक थोड़ा सा और हार्श है, ये थोड़ा सा सीधा है, प्लेन है। दूसरे वाले से सुंदर है ये, बस पहुंच ही गए। वाह, इस साइड तो हौसम ही हाइट है, मम्मा को पक्का डर लगेगा यहाँ पे। ओ तेरी, वाह स्टनिंग। चलो पहुंच गए और वो वाली पौड़ियां उतरे हैं हम, जो इतनी सारी थी। वाओ क्या नजारा है, थक गए, यंग बंदे थक गए। थका नहीं हूँ पर पसीने मुझे पड़ गए। नहीं वो थकने होता है। नो, सांस नहीं फूल रही है, पसीने आ गए। स्टनिंग व्यू है, स्टनिंग। थका दिया स्नेहू को भी, हमारी बुढ़ी हो गई है स्नेहू, चाचू जी से सीख कुछ। यंग बंदे बिनो देखो क्या नीचे, वो कहाँ पर वो घर है क्या नीचे, घर ही है छोटे छोटे से। एक तो भाई वो कोने पे अकेला ही घर है उधर, हर किसी को मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो। पर यहाँ के लोग हेल्दी रहते हैं यार, इतनी फ्रेश एयर है ना यहाँ पे, हेल्दी रहते लोग, नेचुरल फूड यहाँ पर उगाते, यहाँ पर ही खाते, नो पिज्जा बर्गर। वैसे बहुत सारे टेम्पल देखे हैं ना, पर जो ये मंडी के टेम्पल है ना, मतलब छोटे छोटे गाँव में ना अल्टीमेट बना के रखे हैं। अच्छा तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो है ना, ये दिस इज नॉट सीमेंट, ये माँ की दाल का बनाया गया है। कुछ रहे होगी इसके पीछे भी बजा, ये माँ की दाल का और नीचे वुडन की फिनिश दे के रखी है, और एक्यूरेसी है, कोई भी काम की है ना उसमें एक्यूरेसी है। जैसे ये लटकन जैसी लगी हुई है, ये भी काफ़ी कूल लग रही है, और डिज़ाइन, और ऐसे पहाड़ों जैसी जगह पर स्टनिंग। यहाँ पर अंकल जी हुक्का पी रहे हैं। नमस्ते अंकल जी, अंकल थोड़ा बताओगे मंदिर के बारे में, कितना पुराना मंदिर है। मंदिर तो हमने तो अभी जानते भी नहीं है हम इतना, कितना पुराना। अच्छा, पर पुराना है, सदियों से है। अच्छा, कई युग मर गए, कई इतना हो गए। खासियत क्या है इस मंदिर की? खासियत तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा है, ये शादियां होती है यहाँ, नहीं भी जुड़ती हो वो हो जाती है यहाँ, रिश्ते जोड़ने वाला मंदिर है। जिनकी शादियां नहीं होती, जिनके टिपड़े वगैरह नहीं मिलते, यहाँ पर मंदिर में होती है। ओके, और अच्छे से चली रहती है मतलब आगे, ठीक है। और यहाँ पर बॉर्डर इसके आगे नहीं जा सकते। अच्छा मंडप है शादियों के लिए, तो यहाँ पर मंडप भी बनाया गया है शादियों के लिए। चाची जी, आगे फिर से एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल, इतना सफर है ना, और पसीना तो बढ़ेगा ही, जो नहीं है थकावट नहीं, मतलब यहाँ पर आके ना जो माहौल है, हवा चली हुई, सब फीलिंग गुड लाइक आई शुड। वाओ, इस साइड देखो अभी तक 6 बज रहे होंगे और सामने पहाड़ी। फोन की बैटरी भी काफी कम हो चुकी है। मुर्द की दाल की चनाई है इसमें।
हाँ उड़द की दाल की मैंने बता दिया, सीमेंट लगाया ना रेता, सिर्फ उड़द की दाल की चिनाई है ना, उबालते थे उसको, बॉईल करके फिर उसकी चिनाई करते हैं। अच्छा, उबाल के बॉईल नहीं करते, नहीं सगड़े पानी ना से ये पीसने से। अच्छा, ये डालते पहले पीस के, फिर ये सब बनाते पल्ले। कला है ये, कला और काफी पुरानी कला है ये। फ्लोर भी लकड़ी का है, फ्लोर भी लकड़ी का है। इंडिया में वैसे बहुत कम होते हैं ना वुडन के घर, ये सब कुछ फॉरेन में तो पता है यही चलता लकड़ी का, पर ऐसा कलाकृति नहीं मिलेगी जो मतलब इतना मतलब सामने दिख रहा है, जिसने बनाया ना काफ़ी मेहनत लगी होगी। अभी बीता देते हैं इस जगह को फोटोज वगैरह क्लिक करके। और यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, मतलब जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, अगर उनकी टीपें नहीं मिल रही हैं और घर वाले मना कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाओ, हो जाएगा। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, अभी DSLR के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो इतना हैवी लग रहा है ना ये, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और फिसलन भरा है, मतलब खतरनाक है रास्ता। इसने उठाई कैमरा, पता है कितना भारी है, पता नहीं ब्लॉगर कैसे मिलते हैं एक हाथ से ऐसे उठाया जाएगा, भारी है ना। मुंबई कर निखिल वगैरह इतने भारी कैमरे उठाते हैं ना, पता नहीं कैसे डॉले बन जाएंगे ब्लॉगिंग करके अगर कैमरा के साथ करने लग पड़े। पता है ये सारा एडवेंचर मैं मिस कर देता। सुबह चाची जी ने उठाया मुझे 9:30 के आसपास, और बस 10 मिनट के अंदर तुम्हारे भैया तैयार हो गए, नहाया हूँ, ऐसी बात नहीं है, परफ्यूम भी मारा है वो, देखो स्मार्ट लग रहा हूँ ना 10 मिनट के अंदर। हाँ तब भी तो इतना स्मार्ट लगा। क्या वो अब एनर्जी लो होगी? पूरा एडवेंचर वैसे मतलब 5-6 दिन लगाए ना फिर आएगा पूरा मज़ा, फ्री होके आराम से घूम लो। टाइम देखो 5:59। छोटे स्कूल जाता है? बढ़िया बढ़िया, बोलो ठीक है। अब तो भूख लग भी रही, वैसे भी ढाबे का खाना मखनी दाल खानी मैंने, वो बहुत मन है, और नान मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा। अभी कोई पंजाबी ढाबा ढूंढेंगे वापसी के टाइम, अगर मिल गया ना मज़ा आ जाएगा। किसी बच्चे की कलाकारी कुछ लिखे हुए हैं नाम नीचे, पढ़ा नहीं जा रहा बस सही से। हेलो डॉगी, फ्रेंडली है, करना चाह रहा है हमारे साथ, खाने के लिए कुछ भी नहीं है वरना दे देती चीज़ें। ये डॉगी भी आ गया साथ साथ में, आ जा आ जा, फ्रेंड बन गया ये फ्रेंड बन गया, चलता रहेगा ये साथ साथ में, फ्रेंड बन गया फ्रेंड, बोटा जाएगा अभी हमारे साथ, बोटा की टिकट कटवा दी इसकी हमने, चल चल बॉस समझदार होते हैं। बादल तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बारिश कभी भी लग सकती है। शक्ल ही बता देती डॉग की, कौन सा फ्रेंडली है कौन सा एग्रेसिव हो रहा है, इसकी देख शक्ल कितना मासूम है सा। अभी थोड़ी देर बाद काटेगा फिर हो जाएगा साला कुत्ता, फिर करूँगा। देखो कितना मासूम लग रहा है ना, देखो चेहरा देखो इसका, ये देखो नहीं नहीं काटेगा। हेलो कह दे कैमरे को हेलो, पर एक बात है ना, इसको मैंने कुछ खिलाया नहीं फिर भी दोस्त बन गया, अभी छोड़ के आएगा ऊपर तक, कुछ होगा क्या इसके लिए? पकौड़े नहीं बचे हैं, हाँ नहीं बिस्किट वगैरह भी नहीं, बिस्किट भी नहीं बचे। डॉगी तेरा नाम क्या है? लालू बोल दो, शेरू बोल दो, टॉमी बोल दो, शेरू टॉमी लालू टॉमी, इसका इनमें से कोई भी नाम नहीं है, कुछ और नाम बता। ओ कुत्ते आ जा, सुनिए कुत्ते बुलाते होंगे तुझे, आ जा शाबाश। अब ये खाना मांगेगा आपसे, कुत्ता नाम है इसका, नाम ही कुत्ता है। हमीरपुर जाएगा? हाँ चलेगा। यहाँ के लोग इसके साथ अच्छा नहीं व्यवहार करते होंगे, देखा नहीं वैसे स्कूल के बच्चे भी इसे भगा रहे थे। कितना शरीफ कुत्ता है, जिसका नाम भी कुत्ता है। तेरे को टॉफ़ी दी जाएगी, रजेगा नहीं तो इससे, बट तेरे को स्वाद आ जाएगा, खा ले। बस यही था भाई, फेंक दी, अब क्या मैं खाऊँ इसको? खा ले, नहीं अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा अच्छा, चल तो फिर आ जा आ जा। नहीं इसको टॉफ़ी पसंद नहीं आई है, डॉग कैंडी चाहिए इसे। टॉफी नहीं खाता तू? पिज़्ज़ा खाएगा, बर्गर, चौमिन, पात दाल, पात दाल खाना इस, हाँ हाँ ऐसे कर रहा। फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गए हम, थोड़ी सी दूर बची है और फिर निकलेंगे घर की ओर, और रास्ते में खाना भी खाना है भाई। अब इसको कैसे लेके जाएंगे एक नए दोस्त को? टेम्पो आ रहा, टेम्पो इधर, अच्छा इनका कुत्ता होगा ये बुला रहे इसे, और ये गया नहीं,
ये मस्त है इसके ऊपर से ना आराम से ऐसे। अच्छा, आज की रनिंग हमारी 7.1 किलोमीटर चल रही है और ये देखो स्टेप्स इतने काफ़ी ज़्यादा चल रही है आज। तो झूला बोल रही थी ना, हेले झूले रास्ता पूरा भीग गया। 6:40 हो गए, थोड़ा जैसा रास्ता क्रॉस करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो बड़े प्यारे मैं तो बोल रहा दीदी के वहां तो पैक कर दिस यू डू यू वांट टी एडे कप मिंजो चेंज कर लिए कहां पर है ये नहीं 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 बहुत बढ़िया कप है ये, मिट्टी के हैं। इन कप में पी जाएगी चाहे लाइट है नहीं तो फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। हां जी जरूर, चलो तो फिर यहां से चलते हैं। अभी रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं, अल्टीमेट लेवल की भूख लगी है, खा लेते हैं और ऑर्डर कर दिया, देखते कितना टाइम लगता है और एंड में आपको रेटिंग भी बताऊंगा। गूगल पे मैंने देखा तो 4 स्टार है जिस रेस्टोरेंट में हम हैं। रिफ्रेश तो हो गए, चमक गया ना मेरा मुंह। 15-20 मिनट का था, पेट में चूहे दौड़ रहे अब तो। लेफ्ट राइट कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत अच्छा। मजा आया? बहुत। फिर कब आएंगे घूमने? जब ले चलो, जब घुमाने ले चलो तब हम चलेंगे। हमारा क्या है घूमने के लिए, तो वैसे भी खुश रहते हैं ना, अच्छी अच्छी जगह दिखाओ है ना हम बुजुर्गों को। बुजुर्ग अभी थोड़ी है, मुझे बाल भी थोड़े हुए वाइट, तो पूरा वाइट हो जाएंगे ना। फिर उसके बाद गंजे हो जाओगे ना, उसके बाद तो मतलब गंजे नहीं होगा, बूढ़े भी नहीं हो गए, यही कहना चाहते सब। इस साइड ये पेंटिंग्स मुझे काफी अच्छी लग रही, किसी ने खुद बनाई है ये। देखो ना स्नेहा के पेट के अंदर ना वो चूहे के साथ हाथी भी दौड़ रहे। हाथी इतना बड़ा हाथी है ऑलरेडी, तब तो भूख लगनी नहीं चाहिए है ना। बस वेट करते रहो, कितने मिनट हो गए होंगे हमें? 15 मिनट हो गए, 8:30 पे दिख रहा। पानी रख दिया, पानी से रच जाएंगे हम। तो आ गया नान, आ गया बटर नान, पनीर टिक्का मसाला, दाल मखनी, मिक्स वेज। टेस्टी है, वेरी टेस्टी, रेटिंग तो अच्छी थी रेस्टोरेंट की। अब टेस्टी है तब तो 5 out of 5। पनीर टिक्का मसाला ना इंडिया की वर्ल्ड फेमस डिश है, पनीर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का ज़्यादा ही फेमस है वैसे। खाना खा लिया, अल्टीमेट मज़ा आया, 5 में से दूंगा मैं 4.6 रेटिंग। बाय। तो 11 बजे अब हम घर पहुंच चुके हैं और देखो बेड के पास में और नींद लगी है अल्टीमेट वाली, सो जाऊंगा अभी। तो यही था हमारा ब्लॉग ये, और मिलूंगा आपके साथ किसी और ब्लॉग में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।